Hello, Assalamu alaikum students, welcome once again in our math class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the exercise of 4.4. As you know guys, in previous class we have started this exercise 4.4 and we have solved two questions of this exercise. और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क में, ठीक है, सॉल्व करने के लिए. आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. तो एक्सरसाइज 4.4 हम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो हमें आज की क्लास स्टार्ट करनी है. और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि हमने करना क्या है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है. अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, इससे पहले वाली क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में ऐड कराना सीखा, ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कराना सीखा, ठीक है. उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले देखें. इक्वेशन क्या है, 3x - 4y - 2z. पहले ये आपके पास देख लें कि ये क्वेश्चन गिवन है. इसमें आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 गिवन है, एक एक्स की इक्वेशन गिवन है, एक वाई की इक्वेशन गिवन है और एक जेड की इक्वेशन गिवन है. तो आपको ये फाइनल जो है वो इक्वेशन सॉल्व करनी है, 3x - 4y - 2z. ये पूरी एक्स की इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 3 से. पूरी वाई की इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराएं, पूरी वाई की इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराएं बेटा, 4 से. उसके बाद पूरी z की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा के इनको आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट करा दें. तो इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और या वर्टिकल मेथड. तो जो चाहे जिस जो है वो मेथड को फॉलो करें वो आप लोगों की मर्जी है. आंसर जो है वो बेटा सेम आएगा. हम कोई एक मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे और उससे जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे. तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये जो चैप्टर चल रहा है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो है वो सीखना ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे कराते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कराते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में डिवाइड कैसे कराते हैं. तो अब तक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं और उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं. फिर इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कैसे करते हैं इंशाल्लाह वो हम सीखेंगे, ठीक है बेटे. तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा. कह रहे हैं कि 3x - 4y - 2z, ये इक्वेशन आपने जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है, 3x - 4y - 2z, ठीक है बेटे. इसको आपने करना है सॉल्व. अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड, आप वर्टिकल मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल मेथड भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं. तो हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड की तरफ और हॉरिजॉन्टल मेथड से बस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं ताकि इसका जो है वो सॉल्यूशन आसान हो जाए, ठीक है. वर्टिकल मेथड में पहले सबको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा अलजेब्रिक. और अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड फॉलो करते हैं तो उसके अंदर वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई देन सब्ट्रैक्ट, उसके अंदर भी काम यही करना होगा लेकिन एक ही स्टेप में सारा काम हो रहा होगा. तो हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड तरफ, इसके सॉल्यूशन की तरफ. देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन कि क्वेश्चन नंबर 4 ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है बेटे. तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे हम सॉल्यूशन की और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे. क्या फाइंड करना है भाई, हमने फाइंड करना है 3x - 4y - 2z, ठीक है भाई, ये हमें फाइंड करना है. अब जब हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसके अंदर जहां x आ रहा है पूरी x की एक्सप्रेशन आ जाएगी, जहां पे y आ रहा है y की जगह पूरी y की एक्सप्रेशन आ जाएगी, जहां z आ रहा है z की जगह पूरी z की एक्सप्रेशन आ जाएगी, फिर हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटे. देख लीजिएगा 3x - 4y - 2z इक्वल्स टू 3 एज इट इज. उसके बाद x है तो x की जगह पूरी x की एक्सप्रेशन हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे. तो x की जगह पे क्या जाएगा ये देखें, ये मैंने इक्वेशन लिख दी, ठीक है, 3x - 4y - 2z किसके बराबर है. तो आपने क्या करना है, 3 एज इट इज लिखा, x की जगह पूरी x की एक्सप्रेशन आ जाएगी, पूरी x की एक्सप्रेशन आपके पास क्या है बेटा, 3x³ - 7x², ठीक है, -9x + 7 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है. तो आपने क्या करा, 3 और फिर उसके बाद पूरी x की एक्सप्रेशन आ गई. फिर आगे क्या कह रहा है, -4y, तो लिखा -4 और y की जगह पूरी y की एक्सप्रेशन आ जाएगी. y की एक्सप्रेशन क्या है बेटा, 12x³ + 3x² - 13x + 1,
ठीक है बेटे, तो आपने क्या करा, इस इक्वेजन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 3 एज इट इज रहा, एक्स की जगह पे पूरी एक्स की एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह माइनस 4 वाई, तो माइनस 4 एज इट इज रहा, वाई की जगह पूरी वाई की एक्सप्रेशन आ गई। फिर आपने देखा कि माइनस 2 जेड है, तो माइनस 2 एज इट इज रहेगा, जेड की जगह पूरी जेड की एक्सप्रेशन आ जाएगी, और जेड की एक्सप्रेशन आपके पास क्या है बेटा, 6x³ माइनस 5x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक है बेटे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या करा कि हमने इस इक्वेजन में वैल्यूज पुट किए हैं, तो x की जगह पे जहाँ x आ रहा था, जहाँ x आ रहा था, तो x की जगह पे पूरी x की एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है बेटे। फिर आप देखा आपने कि भाई y है, तो y की जगह माइनस 4y, तो माइनस 4 एज इट इज रहा, y की जगह पूरी y की एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है। फिर आपने देखा माइनस 2 जेड आ गए, तो माइनस 2 एज इट इज रहा, उसके बाद यहाँ पे z की जगह आपने देखा पूरी z की एक्सप्रेशन यहाँ से आपने इक्वेजन में पुट कर दी, ठीक है बेटे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ करा क्या कि x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, और z की जगह पे z की वैल्यू, मतलब z की एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से आपस में क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में, और आपको पता है एक चीज कि हर स्टेप से पहले आपने ये इम्प्लाइज डेट का साइन डालना है, हर स्टेप से पहले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। तो जब स्टेप में इक्वल्स टू का साइन पहले से आ रहा हो, तो आपने हर स्टेप से पहले ये वाला साइन, मतलब इम्प्लाइज डेट का साइन यूज करना है। और अगर किसी भी स्टेप में इक्वल्स टू का साइन नहीं आ रहा, तो आपने हर स्टेप से पहले इक्वल्स टू का साइन जो है वो यूज करना होता है, ठीक है बेटे, ताकि पता लग जाए कि आपका स्टेप एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो आपने देखा कि भाई ये 3x माइनस 4y माइनस 2z, ये एक्सप्रेशन तो एज इट इज आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन एज इट इज आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये जो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटे, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू। तो अब 3 को जब 3x³ से मल्टीप्लाई करें, तो बेटा 3 3 9, x³ प्लस माइनस माइनस, 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, ठीक है, और x² एज इट इज। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -9x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को -9x से मल्टीप्लाई करें, तो 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, -9x प्लस माइनस माइनस 3 9 आपके पास आ जाएगा 27, ठीक है, और साथ में क्या है, x है, तो 27x, ठीक है बेटे। उसके बाद प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21। तो आपने देखा कि हमने क्या करा कि भाई ब्रैकेट के बाहर 3 था, पहले वाला ब्रैकेट ओपन किया, तो ब्रैकेट के बाहर जो 3 था, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से सबसे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब किसकी बारी है, किसकी बारी है बेटा, -4 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। जब -4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ज़रा देख लीजिएगा कि -4 को, ठीक है, 12x³ से, -4 को 3x² से, -4 को -13x से, -4 को 1 से, जी भाई। अब इधर देखिएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 48, ठीक है, और x³ एज इट इज। फिर माइनस प्लस माइनस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 12, और इसके साथ क्या है, x², ठीक है बेटे। माइनस माइनस प्लस, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 52, ठीक है, और इसके साथ क्या है, वेरिएबल x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 4 1 4, तो आपने क्या करा, आपने देखा कि -4 को ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब किसकी बारी है, -2 को इस, ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं, पूरी एक्सप्रेशन जो लिखी हुई है, किसकी एक्सप्रेशन है बेटा, ये z की एक्सप्रेशन है, -2z, तो -2 एज इट इज, z की जगह z की एक्सप्रेशन लिख दी। अब -2 को इस पूरी एक्सप्रेशन से आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो अब देखें मल्टीप्लाई कैसे करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस टू है, ये माइनस टू ब्रैकेट के अंदर तीनों चारों वैल्यू से क्या हो जाएगा बेटा ये मल्टीप्लाई। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, टू सिक्स ट्वेल्व ठीक है, और उसके आगे क्या है बेटा एक्स क्यूब, ट्वेल्व एक्स क्यूब ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, उसके आगे आपने देखा कि भाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, साथ में क्या है बेटा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब एज इट इज आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, उसके साथ बेटा वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स एज इट इज आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 8। तो आपने देखा कि मैंने इस स्टेप में, ये जो आपके पास स्टेप है ठीक है, जो आपने फाइनल स्टेप अभी आपने सॉल्व किया कि भाई 3 को x से मल्टीप्लाई करना है तो पूरी x की एक्सप्रेशन से, माइनस 4 को y से, माइनस 4 को पूरी y की एक्सप्रेशन से, माइनस 2 को z की एक्सप्रेशन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ब्रैकेट ओपन किया 3 को पूरी x की एक्सप्रेशन से, माइनस 4 को z y की एक्सप्रेशन से, माइनस 2 को z की एक्सप्रेशन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद वैल्यूज लिखी हैं, इसका मतलब ये है 3x की वैल्यू है ये, कि भाई 3 को इस पूरी x की एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने ब्लू से लिखा है ठीक है। माइनस 4 को मल्टीप्लाई करके z की पूरी एक्सप्रेशन से यहाँ पे मैंने किससे लिखा है रेड से, और इसी तरह माइनस 2 को पूरी z की एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने ग्रीन से लिखा है। आपने जो है वो एक ही स्टेप में बिल्कुल इसी तरह सीक्वेंस में लिखना है, मैंने एक अलग कलर से इस वजह से लिखा है ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, पता लगे कि कौन सी किसकी वैल्यू है। ये 3x की पूरी ब्लू से जो मैंने लिखा है 3x की वैल्यूज हैं ठीक है, ये वैल्यू है माइनस 4y की ठीक है, और ये जो ग्रीन से मैंने लिखा है बेटा ये किसकी वैल्यू है माइनस 2z की। आपने एक ही कलर यूज करना है ताकि आपको, आप लोग के लिए कोई इश्यू ना हो ठीक है, आप लोग जब सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इस वजह से आप लोगों को क्लियर जो है वो सही से समझ में आ जाए, इस वजह से मैंने अलग कलर यूज किया। आप लोग भी चाहे यूज कर सकते हैं लेकिन कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, एक ही पेन से आप लोग जो है वो इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अलग कलर से यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है ठीक है बेटे। अब जो है वो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, अब वो सिंपल बेटे आपके पास जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 9x क्यूब ठीक है। तो अब देखेंगे x क्यूब वाली और कौन सी टर्म है ठीक है, तो उनको आपस में सॉल्व कर लें। एक एक्स क्यूब ये आ रहा ठीक है, और देखें एक एक्स क्यूब ये है बेटा, और यहाँ पे एक एक्स क्यूब ये है। तो एक्स क्यूब वाली जो टर्म्स हैं इनके कोफिशियंट्स को आपस में करेंगे सॉल्व और आंसर लिख देंगे, और सॉल्व करना मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुका हूं, अभी भी सीख लेते हैं, चलते हैं इसको मजीद सॉल्व करने ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 3x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल्स टू ठीक है, इधर देंगे बेटा। अब आपके पास जो टर्म है एक्स क्यूब की, एक आपके पास 9x क्यूब है, माइनस 12x क्यूब है ठीक है, और माइनस 48x क्यूब है ठीक है। तो ये देखें ब्लू से जो एक्सप्रेशन हमने सॉल्व की हुई है, ये आपके पास किसकी है 3x की वैल्यू है ठीक है, माइनस 4y को रेड से और माइनस 2z को ग्रीन से ठीक है। तो ब्लू में भी आपके पास देखें तो एक एक्स क्यूब की वैल्यू है ठीक है, रेड में भी एक एक्स क्यूब की वैल्यू और ग्रीन में भी एक एक्स क्यूब की वैल्यूज है, तो तीन एक्स क्यूब की वैल्यूज हैं। तो आपने क्या करना है, इनके कोफिशियंट्स को आपस में सॉल्व करना है। इनके कोफिशियंट्स को मैंने बताया था सिंपल कैलकुलेटर से आप जो है वो सॉल्व कर लें, ताकि जो है वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो ठीक है। अब किस तरह से सॉल्व करना है, देखें एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है वो 9 है, प्लस 9 आपने कैलकुलेटर में लिख लिया 9 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या है आप देख सकते हैं माइनस 48, तो आपने यहाँ पे लिख लिया कैलकुलेटर में माइनस 48, तो 9 माइनस 48 जो भी आंसर आ रहा है ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब का यहाँ पे कोफिशियंट क्या है बेटा माइनस 12, फिर आपने यहाँ पे कैलकुलेटर में इसको किया माइनस 12, तो तीनों 9 माइनस 48 माइनस 12 सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है माइनस 51 ठीक है बेटे। तो ये जो एक्स क्यूब की वैल्यूज हैं, एक्स क्यूब तीन जगह आपके पास आ रही है, तो इनके कोफिशियंट्स 9 माइनस 48 माइनस 12, इनको आपने किया सॉल्व, तो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है आपके पास माइनस 51। तो आपने क्या करा माइनस 51 लिखा और उसके साथ ये वेरिएबल लगा दिया एक्स क्यूब ठीक है। तो आपने क्या करा, फर्स्ट टर्म आपने सॉल्व कर ली एक्स क्यूब वाली, 9x क्यूब माइनस 48x क्यूब माइनस 12x क्यूब, और सॉल्व करके यहाँ पे आपने वैल्यू लिख दी माइनस 51x क्यूब। किस तरह सॉल्व किया आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास टर्म है कौन सी है बेटा, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर की टर्म है ये माइनस 21 एक्स स्क्वायर
ये एक माइनस 12x² और आप देख सकते हैं ये 10x², तो 10x² माइनस 12x² और माइनस 21x², तो आपको पता है आपने करना क्या है, इनके जो कोफिशियंट्स हैं इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, उसके आगे x² लगा देना है। देखिए माइनस 21 और माइनस 12 इनको कैलकुलेटर में रखें, प्लस 10 करें, जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस 21 और माइनस 12 ये सॉल्व करने पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 33, माइनस 33 प्लस 10 आंसर आ जाएगा आपके पास, माइनस 33 प्लस 10 आंसर आ जाएगा आपका माइनस 23, ठीक है बेटे। तो अगर आप लोगों को जो है कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले आपने देखा कि भाई x² के साथ यहाँ पे क्या माइनस 21, तो माइनस 21 ठीक है बेटे, फिर माइनस 12 तो आंसर आपके पास आ रहा है माइनस 33 प्लस 10, कैलकुलेटर में आपने तीनों कोफिशियंट माइनस 12 माइनस माइनस 21 माइनस 12 और प्लस 10 तीनों को आपने जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आंसर आ रहा है माइनस 23। तो आपने क्या करना है कि माइनस 23 यहां पे आपने लिखा और उसके साथ क्या लगा दिया, x² लगा दिया, ठीक है। तो x² वाली जो तीनों टर्म्स थी इनको आपने सॉल्व किया, आंसर आ रहा माइनस 23, उनके साथ आपने क्या लगा दिया बेटा x². फिर आगे चलें तो आपके पास क्या है, x वाली टर्म है, तो माइनस 27x प्लस 52x ठीक है बेटे, उसके बाद 12x, तो ये जो आपके पास तीन टर्म है 27x 52x 12x इनको भी हम कर लेंगे सॉल्व कैलकुलेटर से, ठीक है। इनके कोफिशियंट्स को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं कि भाई माइनस 27 ठीक है, फिर प्लस 52, फिर आपके पास क्या है बेटा प्लस 12, तो इनको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 37 और उसके साथ जो वेरिएबल है वो कौन सा है बेटा x, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आंसर आ रहा है इसका प्लस 37, तो आपने लिखा प्लस 37 और उसके साथ यहाँ पे क्या लगा दिया x लगा दिया, क्योंकि कौन सा वेरिएबल इनके साथ 27 के साथ भी x है, 52 के साथ भी x है, तो x वाली टर्म सॉल्व कर रहे थे, तीनों को कैलकुलेटर में रखा, माइनस 27 प्लस 52 प्लस 12 सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 37 प्लस 37 और उसके साथ क्या लगा दिया आपने x लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ गई कि भाई यहाँ पे आ रहा है 21 ठीक है, यहाँ पे आ रहा है माइनस 4 और ये आ रहा है माइनस 8, तो अभी एक जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इनको भी आपस में सॉल्व कर लेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो वैल्यूज होनी है वो करवा देंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आपके पास 21 माइनस 4 और माइनस 8 इनको जब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा 21 कैलकुलेटर में बिल्कुल ऐसे ही वैल्यूज पुट करेंगे, 21 माइनस 4 ठीक है आपके पास 17 आ जाएगा, फिर क्या है माइनस 8 तो आंसर आ जाएगा बेटा 9 ठीक है, प्लस 9 यहां पे आप रख देंगे प्लस 9 और ये आपके पास क्या हुआ फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखें क्या किया क्वेश्चन नंबर 4 में, आपने क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना था 3x माइनस 4y माइनस 2z ठीक है, तो आपने हॉरिजॉन्टल मेथड यहां पे किया फॉलो कि भाई 3 लिखा फिर उसके बाद x आ रहा है तो पूरी x की एक्सप्रेशन आ गई, माइनस 4 लिखा उसके बाद y आ रहा है तो पूरी y की एक्सप्रेशन आ गई, माइनस 2 लिखा फिर z आ रहा है तो पूरी z की एक्सप्रेशन, फिर ब्रैकेट के बाहर वाली जो वैल्यूज हैं उनको आपस में ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से क्या किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ पे सबको, और जो सेम वैल्यूज थी जिनके सेम वेरिएबल वाली जो वैल्यूज थी इनको आपस में सॉल्व किया, जैसे 9x³ है तो अब x³ आ रहा है तो x³ वाली जो टर्म्स जितनी भी हैं तो तीन टर्म्स थी उनको आपस में सॉल्व किया, x³ और यहाँ पे ex³, तो 9 माइनस 48 माइनस 12 कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे आंसर आ रहा था माइनस 51, उसके साथ लगा दिया x³। तो बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि x³ और x² ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, जो सेम बेसिस हैं ठीक है बिल्कुल सेम, तो वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, जैसे x³ है हमेशा x³ में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, x² है तो हमेशा x² वाली किसी टर्म में ऐड या उससे सब्ट्रैक्ट होगा, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल आपके पास x है तो वो x वाली टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे हमने सॉल्व किया माइनस 27x है ठीक है, इसी तरह यहाँ पे प्लस 52x और आपके पास 12x इनको हमने किया था सॉल्व ठीक है, इनके नीचे आप देख सकते हैं मैंने जो है वो एक लाइंस जो है वो ड्रॉ की हुई, इनको आपस में किया सॉल्व, माइनस 27 प्लस 52 प्लस 12 सॉल्व करने पे आंसर आ रहा था प्लस 37, आगे लगा दिया x ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट को आपस में हमने सॉल्व किया कि 21 माइनस 4 17 माइनस 8 आंसर आ गया आपके पास प्लस 9, ये आपके पास पूरी इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस 2z का आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी ठीक है, माइनस 51x³ माइनस 23x² प्लस 37x प्लस 9 ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4
इस इक्वेजन को आपने जो है वो सॉल्व किया और ये आपके पास उसका आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया सॉल्व, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऑलमोस्ट एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसमें आपने क्या करना है जो है वो आपके पास दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम दिया हुआ है, उसमें से एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और दूसरी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल सिमिलर है, मैं एक क्वेश्चन में करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नेक्स्ट पेज ओपन कर लें, पेज नंबर 82। और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस, ठीक है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम गिवन है जिसमें पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 3x³ + 3x + 7y प्लस 4xy, ये दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम गिवन है। सम का मतलब है बेटा कि दो नंबर्स को ऐड करा के ये आपके पास दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम गिवन है, टोटल गिवन है दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो सम मींस टोटल, ठीक है। तो दो नंबर्स को ऐड कराएं तो उनका जो है वो बेसिकली टोटल, जैसे 2 और 3 जो है वो आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 3 आंसर आ रहा है 5, इसका मतलब 5 जो है वो 2 और 3 का सम है, 2 और 3 का टोटल है। तो ये दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम गिवन है, टोटल गिवन है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ वन एक्सप्रेशन इज 4xy माइनस 3x³ फाइंड द अदर, उसमें से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी, दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। बिल्कुल 6 भी बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है, फिर दोनों को डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर एक को सॉल्व करते हैं। तो 6 में कह रहे हैं द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें भी यही कह रहा है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम गिवन है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टोटल गिवन है। फिर आगे कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज 2x⁴ प्लस x³ माइनस x² प्लस 2a, देन फाइंड द अदर। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी, दूसरी आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है बेटे। तो दोनों क्वेश्चन अगर आप देखें तो दोनों क्वेश्चन में एक ही तरह की जो है वो बात कर रहा है कि भाई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम उसने दे दिया, ठीक है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम दे दिया और वो बोल रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बता दी, बोल रहा है दूसरी आप क्या करें, फाइंड करें। अच्छा, अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल से क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास दो नंबर हैं कोई, ठीक है, इन दो नंबर्स को मैंने ऐड किया तो ऐड करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है 8, ठीक है बेटा। इन दो नंबर्स को ऐड करने पर आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब मैंने बोला उसमें से एक नंबर जो है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 5 है, ठीक है। दो नंबर्स को ऐड करने पे आंसर आ रहा है 8, तो इसका मतलब ये दो नंबर्स का सम है, दो नंबर्स का टोटल है 8। अब मैंने आपको बता दिया एक नंबर उसमें से 5 है, दूसरा बताएं, तो वैसे तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, कि बहुत छोटे सी वैल्यूज यहाँ पे हमने ली हुई हैं। तो अगर आप देखें तो एक नंबर मैंने बोला कि भाई दो नंबर्स का सम आपके पास 8 है, एक नंबर उसमें से 5 है, तो आप लोग फौरन बता देंगे सर दूसरा नंबर जो है ना वो आपके पास क्या आएगा, 3, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आया, 3 आया। तो बेटा 3 जो है वो कैसे आया, वैसे तो आप देखेंगे 5 प्लस 3 8 होता है, आपने ऐड करके चेक कर लिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये 3 कैसे आया कि भाई इस ये जो आपके पास टोटल सम गिवन है और एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी, तो 8 में से 5 को माइनस करते क्या आ जाता, 3 आ जाता, ठीक है। अब अगर इसकी एक और एग्जांपल की मैं बात करूं कि भाई आपको मैंने बोला कि भाई दो नंबर्स हैं उनका सम करने पे आंसर आ रहा है 1112, दो नंबर्स हैं उनका सम करने पे आंसर आ रहा है 1112, उसमें से एक नंबर मैंने आपको बता दिया, एक नंबर बता दिया, वो एक नंबर क्या है, 91। अब देखिए वैल्यूज बढ़ गई, अब आप जो है ना वो चेक कर करके नहीं देखेंगे कि यार इसमें और क्या पुट करेंगे 1112 आ जाए, चलें 20 पुट करके देखते हैं, 15 पुट करके देखते हैं, 10 पुट करके देखते हैं यहाँ पे कि आंसर जो है वो 1112 आ जाए। तो अगर आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, कि दो आपके पास नंबर थे, दो का सम जो है वो क्या है आपके पास है 1112, तो इसी तरह वहां पे भी अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम गिवन है, जैसे यहाँ पे दो नंबर का सम 12 है, एक नंबर बता दिया, तो 5 और 6 में भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम दे दिया और एक इक्वेशन बता दी और बोल रहा है कि दूसरी इक्वेशन फाइंड करें, मतलब दूसरा नंबर फाइंड करें। तो दूसरा नंबर कैसे आएगा बेटा, देखें या तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके चेक करते रहें, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा,
अब इसको इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, बेस्ट वे क्या है कि भाई हम यहाँ पे दूसरा नंबर फाइंड कर सकें जल्दी से जल्दी, जो है वो दूसरा नंबर आसान तरीके से, दूसरा नंबर जो है वो कैसे फाइंड करें कि अगर दो नंबर्स को ऐड कराने पे 1112 आंसर आ रहा है, उसमें से एक नंबर 91 है, तो दूसरा क्या होगा? आपने सिंपल कैलकुलेटर लिया, ठीक है, और 112 जो है इसमें से माइनस कर दिया 91, तो आंसर आ रहा है बेटा 21। तो मैंने क्या करा, आपने देखा कि भाई अगर आपके पास दो नंबर्स का टोटल गिवेन है, उसमें से एक नंबर दे दिया, तो आपने क्या करा, इस टोटल में से इस एक नंबर को क्या कराया, सब्ट्रैक्ट कराया, एक नंबर को कराया सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट कराने पे आपको ये नंबर मिल गया, और नंबर क्या मिला, 21। तो आपने देखा कि अगर आपके पास दो नंबर का सम हो और एक नंबर बता दिया जाए, तो सम में से क्या करते हैं, एक जो नंबर गिवेन है उसको माइनस करेंगे, दूसरा नंबर आ जाएगा। तो 5 और 6 में भी यही काम करना है। 5 और 6 में आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम गिवेन है। 5 और 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम गिवेन है, और उसमें से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी, दूसरी फाइंड करनी है। तो बेटा क्या करेंगे, सम जो गिवेन है ना दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसमें से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवेन है उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, सम गिवेन था और एक नंबर गिवेन था, तो टोटल में से, सम में से आपने क्या करा, एक टोटल में से आपने क्या करा, ठीक है, टोटल में से एक नंबर को करा माइनस, तो आपके पास आंसर आ गया 21, आपने यहां पे पुट कर दिया। तो आपने यही काम करना है, जैसे आपने किया कि भाई टोटल नंबर्स में से एक नंबर को किया माइनस, तो आपके पास जो है वो क्या आ गया, दूसरा नंबर आ गया। यही आपने काम करना है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, कि भाई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम गिवेन है, उसमें से आपने जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवेन है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम है वो, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दी, तो आपने क्या करना है, सम में से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कर देंगे माइनस, तो आपके पास दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी। 5 और 6 में एक ही काम करना है, मैं आप लोगों को जो है वो 6 करवा रहा हूँ, 5 आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देख लें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे थे, सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम क्या है, 4x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस ए। ठीक है बेटे, फिर आगे क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ देम इज वन ऑफ देम इज 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड द अदर, आपने दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पे फाइंड करनी है, देन फाइंड द अदर। ठीक है, मतलब सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कह रहे हैं द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस, ये जो आपके पास गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो है वो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम है, टोटल है, और उसमें से कह रहे हैं वन ऑफ देम इज दिस। ठीक है, तो वन ऑफ देम, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम ये है, उसमें से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बता दी, और दूसरी फाइंड करनी है। तो बेटा क्या करते हैं, सम में से, टोटल में से एक अलजेब्रिक, एक नंबर जो गिवन था उसको माइनस किया, तो टोटल इक्वेशन, टोटल सॉरी टोटल एक्सप्रेशन जो आपके पास गिवन है, टोटल सम जो आपके पास गिवन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सम गिवन है, उसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, तो बेटा सब्ट्रैक्शन आप लोगों को आती है, सब्ट्रैक्ट आप कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे कराते हैं। तो दो मेथड हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कोई भी मेथड जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को वर्टिकल मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। तो वर्टिकल मेथड देख लीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन के हेड डालेंगे, और पहले जो है वो आपके पास सम, पहले क्या लिखना है कि आपके पास जो सम गिवेन है उसको पहले लिखेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे जो आपके पास एक नंबर गिवेन है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन की बात करें, तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सम गिवेन है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, 4x की पावर 4
माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस ए। ठीक है, तो जो सम गिवन था उसको आपने पहले लिखा और उसके नीचे आपके ने जो सब्ट्रैक्ट कराना है जिसको वो लिख देंगे वाली इक्वेशन। किसको सब्ट्रैक्ट कराना है बेटा, 2x⁴ प्लस x³ माइनस x² ठीक है प्लस 2a। सही भाई, यहाँ पे लगा देंगे एक लाइन ताकि इनको सब्ट्रैक्ट करा के जो भी इक्वेशन आए वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन आएगी, दूसरी एक्सप्रेशन जो भी आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा बेटे, तो सब्ट्रैक्शन में रूल क्या बताया था कि जब भी वर्टिकल मेथड हम फॉलो कर रहे होंगे, वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, उनकी साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2x⁴ ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो बेटा किसकी साइन है, प्लस की, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस की साइन, की साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, x³ क्या है, पॉजिटिव है, इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव। साइन चेंज करने है सबकी, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है पॉजिटिव। ये देखें x² नेगेटिव है, इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस पॉजिटिव, इसको कर देंगे 2a। ठीक है, ये आपके पास क्या पॉजिटिव, तो इसको क्या कर देंगे, 2a को नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, माइनस के साइन में, प्लस के साइन को माइनस के साइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो आपने इनकी साइन चेंज की है, तो अब ये साइन यूज करेंगे, जो ऊपर जो इनकी साइन है ये रिमूव हो जाएंगी। अब ये वाली साइन जो है वो हम यूज करेंगे, इन साइन से यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के पास आ सकता है कि सर, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सब्ट्रैक्शन सीखी, उसमें हमने बोला कि फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन थी फ्रॉम सेकंड एक्सप्रेशन, तो सेकंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कराना, तो सेकंड को पहले लिखते थे, फर्स्ट को बाद में लिखते थे। ठीक है, तो बेटा वहां पर जो रूल डिफरेंट था कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कराना है, तो सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कराना है तो उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। सिचुएशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम दे दिया और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी। तो अभी हमने क्या सीखा कि जब टोटल आपको या सम आपको दे दिया जाए और एक नंबर दे दिया जाए, तो सम में से वो नंबर माइनस करते हैं, टोटल में से वो नंबर माइनस करेंगे। तो क्या करा, टोटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके पास गिवन थी, सम जो आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गिवन था, उसमें से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक माइनस, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना था, इस वजह से सम ऊपर लिखा और ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हमने जो है वो नीचे लिखा, ताकि इसको सब्ट्रैक्ट करा सकें। फिर हमने इसकी साइन चेंज की, आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन में रूल क्या है कि साइन हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, जो सेकंड एक्सप्रेशन होती है वर्टिकल मेथड के अकॉर्डिंग, इनकी साइन हम चेंज करते हैं। साइन आपने चेंज कर ली, अब इनको करते हैं हम सॉल्व। तो आपने देखा कि भाई ये देखें, और आपने लिखा क्या, जो सेकंड एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं कि जिनकी जो है जो सेम वेरिएबल्स हैं, उन्हीं जो सेम बेसिस हैं, उन्हीं के नीचे वो वाली वैल्यूज आ रही हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास पहली एक्सप्रेशन क्या थी, 4x⁴। अब मैंने इसके नीचे देखें क्या लिखा है, x⁴ वाली टर्म ही लिखी है। ठीक है, x⁴ वाली टर्म x⁴ के नीचे लिखी, x³ के नीचे x³ को लिखा। ठीक है, ये x² है, उसके नीचे मैंने x² वाली टर्म लिखी, फिर a के नीचे a वाली टर्म लिखी। ठीक है, तो ये अरेंज करके आपने लिखना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो अब जरा देखिएगा कि x⁴ और x⁴ इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, प्लस 4 माइनस 2, प्लस 4 माइनस 2, 4 में से 2 को माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, 2, और इनके साथ वेरिएबल क्या है, x⁴ एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिएगा माइनस 3 और माइनस x³। ठीक है, माइनस 3x³ माइनस x³। अब यहाँ पे x³ के साथ कुछ नहीं, तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। ये आपको मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ बस। ठीक है, आप लोगों ने नहीं लिखना कि भाई माइनस 3x³ माइनस 1x³, तो माइनस 3 माइनस 1, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, 3 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो माइनस 3, और बेटे दोनों में जब हम एड या सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है, लेकिन दोनों के साथ माइनस की साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो सिंपल देख लें, माइनस 3 माइनस 1 आंसर आता है माइनस 4। ठीक है, और उनके साथ वेरिएबल क्या है, x³, तो यहाँ पे आपने x³ यहाँ पे लिख दिया। फिर आप देखें तो 2x² है और प्लस x² है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो इस x² के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो बेटा 2x², अब ये साइन इसकी नेगेटिव से क्या हो गई थी, प्लस, तो अब इसको फॉलो करेंगे, तो 2x² प्लस x². ठीक है, तो 2x² प्लस 1x², 2 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 3x², तो 2x² प्लस x² आंसर आ गया 3x², और दोनों की साइन प्लस है, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखिए बेटा, माइनस ए और माइनस 2a, तो ऊपर जरा देखिएगा,
ए के साथ कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है, वन है, ठीक है, ए के साथ कुछ नहीं तो बेटा इसका मतलब वन है। तो अब माइनस वन है, माइनस टू है, क्योंकि एस टू है जो पॉजिटिव थी, इसकी साइन अब क्या हो गई, नेगेटिव। तो माइनस वन है और माइनस टू है, इनको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस वन और माइनस टू सॉल्व होके आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस थ्री, ठीक है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, वन प्लस टू आंसर आया थ्री, और साइन दोनों की माइनस की है तो यहाँ पे इसका साथ जो है वो किसका साइन आ गया बेटा, माइनस का साइन आ गया, और दोनों का जो वेरिएबल है वो ए है, तो यहाँ पे आपने ए एज इट इज लिख दिया, और ये आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन आ गई और ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप वर्डिंग लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर वर्डिंग भी लिख सकते हैं, द सेकेंड एक्सप्रेशन इज, सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या आई है, 2x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है बेटे। द सेकेंड एक्सप्रेशन इज दिस, पूरी एक्सप्रेशन आपने लिख दी, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया, आपने देख लिया कि सब्ट्रैक्शन है सिंपल, बेसिक सब्ट्रैक्शन किस तरह से करवाई, कि भाई 4x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4, 4 माइनस 2 आंसर आ गया 2, साथ में x की पावर 4 आपने यहाँ पे लगा दी, फिर माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 आंसर आता है माइनस 4, ठीक है, और साथ में एक्स क्यूब था इनके वेरिएबल, एक्स क्यूब यहाँ पे आपने एज इट इज लगा दिया, फिर प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 आंसर आता है बेटा 3 प्लस 3, प्लस 2 प्लस 1 आंसर आ गया प्लस 3, इनका वेरिएबल क्या था इनके साथ, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 1 ए माइनस 2 ए, ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 2 आंसर आ जाएगा माइनस 3, और वेरिएबल क्या है बेटा ए, ठीक है, आपने लगा दिया यहाँ पे देखें बेटे, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, तो आप लोग जो है वो कॉपी करते हुए 1 नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटे, 1 आप लोग कॉपी करते हुए नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, आई होप यहाँ तक आप लोग को जो है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद सॉल्व जो है वो करना होगा, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है बेटे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।